नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सेवेंथ का जो साइंस बुक है उसका चैप्टर सिक्स भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आखिर ये जो हमारे चारों तरफ परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार के परिवर्तन हैं। ठीक, एक तो होगा वो भौतिक होगा या फिर रासायनिक परिवर्तन होगा, दोनों में से कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो इस चैप्टर में आइए हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसमें बहुत सारे पदार्थ जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई शीतल जल पीना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें चीनी घोलते हैं। ठीक, और फिर इसके प्रकार जो हमारा दूध है वो दही में जम जाता है, ये कोई दूसरा परिवर्तन है। ठीक, तो दूध खट्टा हो जाता है, उसमें चीनी मिलाए दूध मीठा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, तो इस हमारे चारों तरफ व्यापक रूप से केवल दो ही प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं, एक या तो वो भौतिक परिवर्तन होगा या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन के लिए अगर हम एक क्रियाकलाप करें, क्रियाकलाप 6.1, इसमें हमें एक कागज लेना है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि हमें एक कागज लेना है, तो उस कागज के हमें कितने भाग करने हैं, उस कागज के हमें चार भाग करने हैं। और फिर चार भाग में जो हमारा ये एक भाग होगा उसके फिर से हमें चार भाग करने हैं। ठीक, तो फिर इसके बाद आप इन्हें आपस में जोड़ दीजिए। इतने सारे भाग करने के बाद आप इन्हें आपस में जोड़िए। तो जब आप इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो क्या आपको कुछ पता चलता है कि जो कागज का गुण था ये क्या कुछ बदला है? तो आप देखेंगे इसका जो गुण था वो कुछ भी नहीं बदला है, बस खाली आपने इन्हें भागों में बांट दिया है। तो ऐसे परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहे जाएंगे? भौतिक परिवर्तन, जो कि अपने रंग आधार गुण, ठीक, और उनकी जो अमाप होती आकृति होती है, अगर ये परिवर्तित होती हो तो भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, तो आप यहाँ पे इसका कागज का आकार देख सकते हो कि जब ये बड़ा मतलब कि जुड़ा हुआ था तो बड़ा था, लेकिन जब आपने इसे काट दिया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, टूट गया। ठीक, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, और इसी तरह से जैसे कि आप अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड की इस क्रियाकलाप में, जैसे कि आपके पास कोई एक ब्लैक बोर्ड है। ठीक, आपका जो टीचर है वो इस पर कुछ लिखता है, लिखने के बाद जो चाक होती है वो कुछ नीचे गिर जाती है, तो आप उसी चाक को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद उसे पानी में मिला करके फिर से बेलन की सहायता से क्या करें, उसे बेल करके, मतलब कि जिस आकार का चाक था उसी तरह से बेल करके आप उसे सुखा दीजिए। तो क्या करेगा वो, उसका आकार जो है परिवर्तित हो गया ना, उसका गुण तो नहीं परिवर्तित हुआ ना, जो पहले वाला चाक था वो भी लिखने का कार्य करता था, लेकिन आपने ये जो फिर से चाक बनाया है ये भी लिखने का काम करता है। ठीक, लेकिन इसका जो है आकार वो परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि आकार कैसा था, वो एकदम पीसा हुआ था, और अब ये क्या हुआ है कि एक पत्थर के रूप में हो गया। ठीक, तो ये सारी क्रियाएं जो है क्या, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इस क्रियाकलाप 6.3 में, तो आपके पास अगर कोई कांच या प्लास्टिक का कटोरा है उसमें आप थोड़ा सा बर्फ और जल ले लो, दोनों को एक दूसरे को मिला करके धूप में आप रख दो कि दोनों क्या करें, वो पानी बन जाए। फिर इस कटोरे को क्या करो कि इसमें हिमकारी मिश्रण है, मतलब कि बर्फ और जो है नमक में इसे हम रख देते हैं। तो अगर क्या हम ये जो जल हमने प्राप्त किया है वो बर्फ बन सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आकार परिवर्तित हो गया यहाँ पर भी। ठीक, तो गुण तो वही है, पानी है, बर्फ है, वो भी खाया जाएगा, पिघल जाएगा, उसे भी आप पियोगे, और जो पानी है उसे भी आप पियोगे ही। ठीक, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, आकार जो है वो परिवर्तित हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 6.4 की। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर के उसे उबालना है। ठीक, तो जब जल जो है हमारा अगर भाप में परिवर्तित तो हो गया, ठीक, अगर वो भाप जो है जल जो है भाप में परिवर्तित हो गया, तो उसे क्या करिए कि आप कुछ ऊपर ऊंचाई पर एक उल्टा बर्तन लटका दीजिए। ठीक, और बर्तन के भीतरी सतह को हम देखेंगे, उसमें क्या होता है कि जल के बूंदे हमें दिखाई देती हैं। ये क्या हुआ, भौतिक पर, क्योंकि वो तब भी जल था, जल से उसका आकार बदला, आकार से फिर उसी आकार में वो आ गया। ठीक, तो यहाँ पर भी उसका आकार जो है वो बदल गया है। ठीक है, अब इस क्रियाकलाप 6.5 में आपको सावधानी दी गई कि आप किसी भी ज्वाला या फिर आग पर कार्य करते समय सावधानी बरतेंगे, ये ऐसा ना हो कि आपकी जो हाथ है वो जल जाए। ठीक,
तो इसमें उपयोग किए जाने जो आरी का ब्लेड होता है जिससे हम अपनी लकड़ियाँ काटते हैं, उसे हमें चिमटे से पकड़ना होगा और फिर उसके बाद उसके अगले सिरों को क्या करता है कि गैस स्टोव की ज्वाला पर रख। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो ब्लेड होता है उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, काले से या फिर जिस भी रंग का ब्लेड आप लिए हो उससे आप देखोगे गर्म करने पर वो किस प्रकार का हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक, कैसा हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे फिर से ज्वाला हटाते हैं कुछ समय बाद देखते हैं कि फिर ये किसी आकार में आ जाता है, अपने पहले वाले आकार में या पहले वाले रंग में। ओके, सॉरी, पहले वाले रंग में। तो ये सारी क्रियाएं जो हैं वो क्या होती हैं कि भौतिक परिवर्तन कहे जाते हैं। तो हमने क्रियाकलाप एक और दो में हमने ये भी देखा कि चाक तथा कागज जो अमाप था वो परिवर्तित हो जाता है, और क्रियाकलाप तीन और चार में देखा कि जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव हो जाता है अथवा द्रव से गैस या फिर गैस से द्रव। और क्रियाकलाप ये जो हमारा 6.5 था इसमें हमने देखा कि उसका क्या होता है, रंग जो है वो गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। तो पदार्थ का आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण, उसके कौन से गुण कहलाते हैं, भौतिक गुण। ठीक, अगर आपको भौतिक गुण की परिभाषा देनी हो तो आप कह सकते हो कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक गुण हमारा क्या था यहाँ पे कि उसका आकार, अमाप, रंग, अवस्था, गुण, ये क्या कहलाते हैं, अगर ये परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हीं को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है ये सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब यहाँ पे ये होता है कि वह फिर से पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। ठीक, जैसे कि आपने चौक का पाउडर लिया, उसे सॉरी जैसे सपोज कीजिए आपने चौक ले लिया। ठीक, मान लीजिए आपने क्या ले लिया, चौक। चौक लेने के बाद आपने उसे श्यामपट पर लिखा तो उसका क्या बन गया, छोटे छोटे बुरादे के रूप में ये एक आटे के रूप में पा गई, मतलब कि बदल गई। ठीक, इसके बाद आप इसमें जल मिला करके फिर से आप इसी रूप को प्राप्त कर सकते हो। ठीक, तो इस परिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन में केवल उनके गुणों का परिवर्तन होता है, ना कि कोई अन्य और नया पदार्थ बनता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो कि दो, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर नए पदार्थ का निर्माण होता है, या आप कह सकते हो कि जिस क्रिया में किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और उस परिवर्तन से या फिर रासायनिक परिवर्तन से जो भी पदार्थ जो है उसके गुण, आकार, रंग, आमाप, इन सब में जो परिवर्तन होता है वो फिर से उसी रंग रूप में नहीं आ सकता है। ठीक, तो ऐसा आप इसे समझ सकते हो। तो जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये कौन सा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जो लोहा है अगर उस पर क्या हुआ कि आपने रख दिया तो ये क्या किया, जल और वायु टुक इनसे या इसने क्या किया, क्रिया कर लिया, रासायनिक परिवर्तन कर लिया, और उसमें क्या हुआ कि इसने कोई भूरे रंग की परत बना दी। तो अब क्या आप भूरे रंग के परत को उसमें पानी मिला करके फिर से लोहा बना दोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इससे क्या है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती है। ठीक, तो हमने देखा है कि घरों में जो रखी हमारी कुल्हाड़ी, हथौड़े, ये होते हैं, तो वायु में अगर हम कुछ दिन खुला रख दें तो उसमें क्या लगता है, जंग लग जाए, जंग लगने एक भूरा परत चढ़ जाता है उस पर। ठीक है, ओके, रसोई में जैसे आपको गीला तवा अगर कुछ समय तक हम उसे रख देते हैं उसमें भी क्या है, कुछ आपको भूरे भूरे रंग के छोटे छोटे दाने जो हैं वो दिखाई देंगे। ठीक, अगर हम एक क्रियाकलाप करते हैं रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए, तो आपको एक कार्य करना होगा कि आपको एक मैग्नीशियम की पट्टी लेनी होगी, पतली पट्टी मैग्नीशियम जो होती है। ठीक, इसका संकेत आपका होता है Mg, मैग्नीशियम। ठीक, और इसका अगर हम टुकड़ा लें और इसे रेगमाल, रेगमाल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें छोटे छोटे कुछ आप कह सकते हो लोहे या फिर बालू, ठीक है, इनके कण पाए जाते हैं, जो कि अगर आप इसे किसी भी चीज़ पर रगड़ देते हो तो वो क्या करता है कि उस पर जो कोई भी परत चढ़ जाते हैं, चढ़ी रहती है, वो उसे हटा करके अब क्रियाशील होने के लिए बनाता है। ठीक, और किसी सिरे के इसे हम मोमबत्ती के पास अगर ले जाएंगे तो इस फिगर के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जब हमने इसे मोमबत्ती के पास ले गया तो ये एक चमकदार ज्वाला के रूप में परिवर्तित हो गई। और इस ज्वाला में क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है।
अगर आप इसका समीकरण देखो या फिर आप कह सकते हो कि इन सारी क्रियाएं किस प्रकार से हुई, तो हमने मैग्नीशियम लिया था Mg और ऑक्सीजन जो का फार्मूला होता है O2, ये क्या बना है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक क्या है ये एक भस्म है, या भस्म आप मतलब समझ सकते हो कि एक राख है जिसका सूत्र क्या है MgO। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा समीकरण है ये गणित वाले जो मैथ में जो समीकरण होता है ये उससे अलग है। इसमें क्या होता है कि हम किसी पदार्थ के सिंबल को दिखाते हैं, यहाँ पे जो तीर का मतलब होता है ये होता है कि इन दोनों पदार्थ से ये कोई नया पदार्थ जो है वो बना है। ठीक, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो और इस चैप्टर में हम इनके संतुलित करने के बारे में जो है प्रयास नहीं करेंगे, इसका प्रयास जो है हम क्लास 8th में करेंगे अच्छे से, और वहाँ पे हम अपने कुछ तत्व के बारे में बात करेंगे कि हमारे तत्व होते हैं उनकी वैलेंसी क्या कौन कौन सी होती है। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था MgO, इसे हम एकत्रित करके इसमें क्या करते हैं जल मिलाते हैं। क्या, तो हमने देखा कि जो हमारा मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन ये मिलकर के क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल मिला दें तो यह क्या बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जैसे कि आप इस समीकरण को देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका नाम पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने वहाँ पे केवल इनके सिंबल्स को ही दिखाए हैं। ठीक, तो हमने अध्याय 5 में ये देखा था कि जितने भी ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड होते हैं, हमने देखा कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड था वो क्या था, क्षारक था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये एक क्षारक थी। ठीक, तो इसी तरह से जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये नया पदार्थ बन रहा था, और जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल मिलाया तो किसमें परिवर्तित हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। अब अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जल निकाल दो तो क्या वो मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाएगा, अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या फिर से उसी मैग्नीशियम के रूप में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से आप समझ सकते हो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ सकती हैं। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला ये क्या है, एक क्षारक होता है। ठीक, और अब हम क्रियाकलाप 6.7 करते हैं, तो इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि जो अगर समझ सपोज कीजिए कि हम एक कांच लेते हैं, कांच के दो बीकर ले लेंगे। ठीक, उसमें हम क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन, किसका कॉपर का Cu2SO4, ये इसका क्या है फॉर्मूला है Cu2SO4। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कॉपर सल्फेट था, इस कॉपर सल्फेट में जो हमारा ये कॉपर सल्फेट का विलयन था इसमें आप देख सकते हो इसका रंग जो है किस प्रकार से है, ये नीला रंग है इसका, किस प्रकार से है कुछ नीला। जब आपने इसमें क्या मिलाया एक लोहा Fe ये मिला दिया तो इसका रंग परिवर्तित हो गया, क्या हो गया हरा। तो जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन था यहाँ पे ये क्या किया कि लोहे के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया कि आयरन सल्फेट का विलयन। ठीक, और इससे क्या हुआ कि जो कॉपर है वो यहाँ पे आप जमीन पे या फिर आप कह सकते हो कि इसके नीचे जो है वो बैठ गया। ओके, तो ये क्रिया क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। आप मत समझिए कि इसमें क्या है कि रंग परिवर्तित हो गया तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए कि इसको निकाल दो बाहर तो क्या ये फिर से इसी रूप में आ जाएगा अपने नीले रंग में, नहीं आएगा यार, आप प्रयोग करके देख लो। ठीक, तो वहां पे हमने देखा कि उसका रंग जो था वो लाल हुआ था और लेकिन ठंडा करते ही पुनः अपने रंग में आ गया। लेकिन अगर आप इसमें से ये जो आपका आयरन है या ब्लेड है अगर आप इसे निकाल लो तो ये क्या करेगा अपने पहले वाले रूप में नहीं आएगा। ठीक, तो ये जो हमारा पदार्थ था कॉपर सल्फेट ये आयरन के साथ मिलकर के आयरन सल्फेट बना लिया, क्या आयरन सल्फेट। ओके, क्या बना लिया आयरन सल्फेट। ओके,
और कॉपर को इसने क्या किया, अलग कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर सल्फेट है, जिसे आप नीला थोथा भी बोलते हो, और एफी इनके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाए, आयरन सल्फेट का विलयन, ठीक, FeSO4 ये आयरन सल्फेट का सूत्र है। और कॉपर को क्या किया इसने, निस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब कि ये जो कॉपर से अधिक क्रियाशील वाली धातु है, साफ उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि कोई भी पदार्थ जो है यहाँ पे वो क्रिया करके कोई अन्य पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक। तो अगर इस आप क्रियाकलाप 6.8 में भी हम देखेंगे कि हम दो परखनली लेते हैं, एक परखनली में हम क्या करते हैं, एक में हम सिरका जल जो है और खाने वाला सोडा जो है उसे मिला देते हैं, ठीक, और उसकी नली से एक हम सॉरी उसकी परख नली में जो मुख है उसका, वहाँ पे हम एक कार्क लगा देते हैं ढक्कन, और उसकी सहायता से हम एक पाइप ले जा करके दूसरे जल में या दूसरे नली में गिरा देते हैं, जो क्या होता है कि चूने का पानी होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जब सिरका और हमारा खाने का सोडा दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। इसका परीक्षण जो है आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी में जो हमारी अभिक्रिया हुई, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जिसके कारण चूने का पानी क्या हो गया था, दूधिया हो गया था, ठीक है, और जल जो है वो हमें पहले से ही मिला था, ठीक ठीक है। तो इस तरह से हमने क्रियाकलाप 6.6 और 8 में ये देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक से जो है वो अधिक नए पदार्थ बने। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा उनके जलाने पर एक भस्म या एक नया पदार्थ बना, ठीक है, अब कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया करने पर आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया, ठीक। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारे जो है वो नए पदार्थ जो है वहाँ पे बने, वो भी अलग अलग। तो इस तरह से वह परिवर्तन जिसकी एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, ये हमारे जीवन में अत्यधिक बहुत ही महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि जितने भी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के कारण बनते हैं उनके लिए, जैसे अयस्क से हम धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक, जैसे लौह अयस्क उससे लोहे को निकालेंगे, तो इसे निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। औषधि जो होती है उसमें भी हम रासायनिक परिवर्तन करके अपना जो नया उत्पाद होता है या फिर अपनी नई दवाइयाँ जो होती हैं उन्हें बनाते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिक है या मार्जक है, ठीक। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक। तो इस कोई भी नए पदार्थ की खोज जो है वो रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन करने करके ही की जाती है। अगर आप किसी भी नए पदार्थ का खोज कर रहे हैं तो उसमें आपको रासायनिक परिवर्तन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें रखेगा। तो हमने देखा कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन थे वो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाए थे, और नए उत्पाद के अतिरिक्त जो वहाँ के रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें हमने ये घटनाएं देखी थी जो कि नीचे दिए गए। उससे क्या हुआ, ऊष्मा प्रकाश निकला, ठीक, और अन्य विकिरण से जैसे कि निर्मुक्त हुए, जैसे कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो बाहर निकल गई और उनका क्या हो गया, वो अवशोषित होने लगी। तो इससे हमने क्या देखा, उनसे ध्वनि भी निकलती है रासायनिक अभिक्रिया में, उनके गंध में परिवर्तन आती है और किसी गंध नया गंध बनता है, उनके रंग में भी परिवर्तन आता है, ठीक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, रंग में परिवर्तन हमने देखा था कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का था और जब वो आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो गया तो हरे रंग का हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान उसके रंग गंध उष्मा और गैस किसका निर्माण हो रहा है, इन सभी चीज़ों से पता कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, अगर आपको इनके उदाहरण चाहिए तो जैसे कि मैग्नीशियम का फीता था, उसमें क्या हुआ, लकड़ी कोयला इन सबको जलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है, इससे हमारा गैस भी निकलता है, उष्मा भी निकलती है, ठीक, और ध्वनि भी जो उत्पन्न होती है, जैसे कि हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे रासायनिक परिवर्तन होगा उसके अंदर, उसमें आपका उष्मा भी निकलेगा, प्रकाश भी निकलेगी और ध्वनि भी निकलेगी और गैस भी निकलेगा, ठीक। प्रकाश और उष्मा में क्या, आपको जैसे पटाखे जब आप फोड़ते हो तो क्या होता है कि आपको एक जैसे लगता है ना हवा लग गया, तो ये क्या है, ये उष्मा है, प्रकाश निकलता है आपके सामने, सब अजोर हो जाता है, सॉरी प्रकाश हो जाता है, सब सारी चीज़ जो है वो आप देखते रहते हो, मतलब देख लेते हो। वैसे पटाखे तो आप लोग रात को ही फोड़ते हो ताकि कुछ देखने को अच्छा लगे, और ध्वनि जो होती है पटाखे फोड़ने के बाद आपको तो सुनाई ही देती है, और गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक। तो जो हमारी भोजन की सामग्री होती है उसमें भी दुर्गंध आने लगती है, तो ये कौन सा परिवर्तन, हमारा रासायनिक परिवर्तन कहा जा सकता है, ठीक। क्योंकि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ, जैसे कि मान लीजिए हमारा खाना है उससे ऑक्सीजन क्रिया करा, ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद कुछ गैसों का निर्माण किया,
ठीक, या फिर कुछ गंध का निर्माण किया, तो क्या आप उससे अगर ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या वो फिर से अपने अच्छे भोजन में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हम बात करते हैं एक सुरक्षात्मक आवरण की, जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे बाह्य वायुमंडल या फिर आप कह सकते हो सबसे बाह्य वायुमंडल का क्षेत्र है। उसमें क्या होता है, एक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक, ये क्या करती है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरण होती है, पराबैंगनी किरण, जो पराबैंगनी किरण होती है, इसे क्या करती है, ये पृथ्वी पर आने से रोकती है। वहां से क्या करेगी, कुछ पराबैंगनी किरण को अवशोषित करके ऑक्सीजन में बदल देती है, और जो बाकी नहीं अवशोषित कर पाती है उसे क्या करती है कि रासायनिक परिवर्तन कर देती है, या फिर आप कह सकते हो कि उसे परिवर्तित कर देती है, उसे पृथ्वी पर नहीं आने देती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पराबैंगनी किरण थी वो ऑक्सीजन जो है सोख कर, मतलब कि जो आपका ओजोन है वो उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो और ऑक्सीजन से ही हमारा ओजोन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑक्सीजन है वो O2 है, और ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। तो जब इसी ऑक्सीजन के साथ कोई O2 नहीं केवल O, ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ जाए, तो उससे क्या होगा, ओजोन परत का निर्माण होता है। क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन तो वो O2 के रूप में पाई जाती है। और ये कब O और O, O2 को आप क्या लिख सकते हो, O2 बराबर O+O। ठीक, तो जब ये O2 दो अपने परमाणु में टूट जाता है और फिर किसी दूसरे O2 या ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ओजोन परत का निर्माण करता है। तो आप सोच रहे हो कि वायुमंडल में इतनी, तो ओजोन परत तो इस समय नष्ट तो हो नहीं रही होगी। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल को अगर आपको तोड़ना है तो आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं है। केवल तभी होता है जब आप आसमान में बिजलियां चमकती हैं, तब ऐसी क्रिया जो होती है, तब हमारे ओजोन परत का जो है कुछ निर्माण हो जाता है वहां पे। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा अम्ल और क्षारक था, ये एक दूसरे से मिलकर के क्या किए, उदासीनीकरण की क्रिया किए थे, जो हमने अभी अम्ल क्षार और लवण वाले पाठ में देखा था चैप्टर 5 में। तो ये क्रिया क्या थी, रासायनिक परिवर्तन थी। क्योंकि अगर आप उदासीन जो यहाँ पे अभिक्रिया थी उसमें क्षारक मिला दोगे तो क्या वो अम्ल बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या था, एक रासायनिक परिवर्तन था। अब बात करते हैं कि लोहे में जंग लगना, जो लोहा होता है उसमें जंग लगना ये किस तरह से होता है। तो हमने देखा है कि जब लोहे की वस्तुओं को प्रभावित कर कोई पदार्थ या कोई परिवर्तन, जब किसी लोहे के वस्तु को प्रभावित कर उसे धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक, जैसे कि हमारे लोहे के उपयोग में पुल आते हैं, जहाज, कार, ट्रक, ये सारे चीज़ें जो है, ढांचे जो है, किससे बनाए जाते हैं, लोहे से बनाए जाते हैं। अगर लोहे में जंग लग जाए तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी आर्थिक हानि होगी। जैसे कि अब मान लीजिए कि जल है, जल में हमारा हवा जो जल वाला जहाज है वो चल रहा है, उसमें जंग लग गया, उसकी जो निचली परत है वो क्षतिग्रस्त हो गई, टूट गई, तो ऐसा क्या होगा कि उसके अंदर पानी भर जाएगा, और पानी भरने के साथ साथ, जल भरने के साथ साथ, वो जो नाव है या जहाज है वो पानी के अंदर डूब जाएगा, जिससे उसके ऊपर जितने भी आदमी या फिर आप कह सकते हो जितने प्राणी होंगे वो सब मारे जाएंगे, और वो जो भी अपना सामान लिया हुआ होगा वो किसी दूसरे देश के पास, सपोज कीजिए अपने ही देश में ला रहा है, वो हमारे पास नहीं पहुँच सकती है, और उससे बहुत सारा ज़्यादा जो है वो हानि हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा लोहा होता है वो किस तरह से लोहे में जंग लगता है। हमारा लोहा Fe है, ऑक्सीजन O2 है, ठीक, ये वायु से मिला, और जल, ये सारी क्रियाएं। अगर आप सोचो कि लोहे को अगर ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन से क्रिया करा दें तो लोहे में जंग नहीं लगेगी। अगर आपको ऐसा परीक्षण करना है तो आप ऐसे स्थान पर लोहे को रख दीजिए जहाँ पर जो है वो गर्मी हो, ठीक, जल की मात्रा थोड़ी सी भी ना हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लोहे में जंग नहीं लगता। या फिर आप लोहे को किसी बहुत सारे दिन तक जल में डुबो के रख दो तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पहुँच नहीं पाए। लेकिन उसमें क्या हो कि जल में हम जानते हैं ऑक्सीजन घुली हुई होती, लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो उसमें ना घुली हो, ठीक, जल में, नहीं तो ये क्या करेगा, क्रिया कर लेगा और जंग का निर्माण कर देगा आयरन ऑक्साइड का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ठीक, तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक, आगे चलते हैं कि जो वायु होती है इसमें आर्द्रता, आर्द्रता की मतलब यहाँ पे क्या है, नमी से, ठीक, इसकी मात्रा अधिक है, मतलब कि नमी अधिक है, तो जंग क्या है वो जल्दी लगेगा। ठीक, क्योंकि अब वायुमंडल है, वायुमंडल में तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, और वहाँ पे जो वायु है उसमें पानी है और अधिक मात्रा में पानी है, तो इससे क्या होगा कि उससे जल्दी से क्या करेगा वो जंग लग सकता है।
ठीक। तो अब हम बात करेंगे कि जंग के लगने से रोकथाम जो है किस प्रकार से किया जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोहे को अगर ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क से अगर हम बचा कर रखें तो ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए एक सरल उपाय होता है जो पेंट होता है अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ा करके हम लोहे को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रीज होगा, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन और जल क्रिया किए तो क्या करेगा, वो ग्रीज के ऊपर ही क्या करेगा, क्रिया करेगा, और इसके ग्रीज के ऊपर क्रिया करेगा। और हम जानते हैं अगर कोई भी पदार्थ जो है एक बार क्रिया कर लेता है तो दोबारा क्रिया नहीं करता है जब तक उससे अधिक क्रियाशील पदार्थ या फिर तत्व ना आए। ठीक। तो इसमें क्या होगा, अगर आप पेंट लगा देंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीजन या जल पेंट से क्रिया करे, लेकिन पेंट के अंदर जो आपका लोहा स्थित है वो क्या करेगा, वो सुरक्षित रहता है। ठीक। तो सभी वस्तुओं को नियमित रूप से हमें पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ानी होती है, ऐसे जंग लगने से हम रोक सकते हैं। और एक अन्य उपाय होता है जो क्रोमियम और हमारा जस्ता होता है जिंक ZN, ओके, जैसी धातु क्या करते हैं, हम इनकी परत जो है वो चढ़ा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम यसद लेपन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक। ओके। तो जब हम किसी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, यसद लेपन। तो अगर हम अपने घरों में जो पदार्थ हैं लोहे के, अगर उनके जैसे कि जो पाइप होती है लोहे की उसके ऊपर यसद लेपित किया रहता है जिससे उसमें क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। और जो हमारा आप कह सकते हो कि जिसके सहायता से जो हमारे पानी आते हैं, जो आपके बोल सकते हो हैंडपम्प होते हैं, उनमें भी गैल्वनाइजेशन जो होता है ये किया होता है, यसद लेपन किया होता है। ठीक। नहीं तो ऐसा करने से उसमें जंग लग जाएगी और जंग लगने से आयरन के टुकड़े जो हैं वो जल की सहायता से या फिर जल के कारण ऊपर आ जाएंगे और आप उन्हें पी करके बीमार पड़ सकते हैं। तो जो पानी के जहाज होते हैं ये लोहे के बने होते हैं, उसका एक भाग क्या होता है, हमेशा पानी में डूबा रहता है। तो पानी के ऊपर के भाग में जल की बूंद जो है गिरती रहती है, तो इससे क्या होगा कि समुद्र के जो जहाज हैं उनमें जंग जो है वो लग सकता है। और समुद्र में जो लवण पाए जाते हैं आप जानते हैं NaCl, क्या NaCl, ठीक, ये सारी क्रियाएं जो है वो उसमें लवण जो है कुछ पाए जाते हैं जो कि जंग लगने की जो क्रिया होती है उसे और भी अधिक क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक। तो अब इसमें क्या होगा कि इसीलिए जो अगर जल में, हाँ, जो जहाज है अगर उनमें जंग लग जाता है तो काफ़ी क्षति होगी, क्षति का मतलब काफ़ी नुकसान होगा यहाँ पे। तो जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग जो है ये हम प्रतिवर्ष जो है बदलने यहाँ पे जरूरी होता है। ठीक। और विश्व में अगर ये जंग लगने वाली, अगर कुल लोहे में अगर जंग लग जाए और इन्हें हमें कोई भी सल्यूशन ना मिले तो इससे क्या होगा कि हमारी आर्थिक हानि जो है वो बहुत ही अत्यधिक होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। जो स्टेनलेस स्टील होता है ये एक लोहा होता है, इसमें क्या होता है, अब क्रोमियम कॉपर सॉरी क्रोमियम निकिल और कार्बन तथा मैग्नीज, ठीक, इनकी धातुओं को जब मिला करके बनाते हैं तो इससे एक स्टेनलेस स्टील जो है वो मिलता है। ठीक। ये एक ऐसा पदार्थ मिलेगा जब उसमें आप कार्बन क्रोमियम निकिल और मैग्नीज इन सारी चीज़ों को जब उसमें में आप मिलाओगे तो उससे एक आपको लोहा प्राप्त होगा जो कि जंग जिसमें नहीं लगेगा, जिसे आप स्टेनलेस स्टील बोलते हो। ठीक। अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीकरण की। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो क्रिस्टलीकरण होता है इसमें हमने क्लास जो 6 था उसमें पढ़ा था, साधारण नमक में जो वाष्पन विधि थी उससे हम समुद्र के जल से किस प्रकार से नमक को प्राप्त करते हैं। ठीक। तो इससे क्या होता है कि नमक जो है वो हमें शुद्ध नहीं मिलता है, तो और उसमें जो नमक होता है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं, क्रिस्टल का मतलब है टुकड़े छोटे छोटे पाए जाते हैं। इस प्रकार से जो नमक होता है इसे प्राप्त क्रिस्टलों का आकार जो है हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक। तो किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप मतलब बड़े आकार के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपर सल्फेट के विलयन में आपको ये कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में आपको मिल जाएंगे और इन्हें क्या बोलते हैं कि क्रिस्टलीकरण। ये एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण जो है ये उसके अंदर तो पहले से ही मौजूद था, किसी जल के अंदर या फिर आप कह सकते हो किसी पदार्थ के अंदर जब क्रिस्टली
पहले से ही मौजूद था, लेकिन वो छोटे कण में था। अगर आप इसे बड़े में कर दिए तो क्या किया, आपने उसके अमाप को परिवर्तित किया है, ना कि कोई उससे आपने नया पदार्थ बनाया है। तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे प्राप्त किया गया है। तो आपको इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको एक बीकर लेना होगा जिस प्रकार से यहाँ पे लिया गया है, और उसमें कुछ टन सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डालनी होगी जल के साथ। ठीक, जब आप इसमें जल की बूंदें डालोगे फिर इसके बाद कॉपर सल्फेट के चूर्ण जो है आप इसमें डालते रहो, कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है वो इसमें डाल करके अच्छे से आप इसे हिलाते रहो। ठीक, तो इस बिलियन को क्या करो कि आप एक फिल्टर पेपर पर छान लो, फिर इसे ठंडा करना होने दोगे। जब बिलियन ठंडा हो जाएगा तो आप इसे इधर उधर हिला डुला करके किसी अन्य प्रकार से उसे न छेड़े कि आप उसे हिलाओ डुलाओ। ठीक है, तो कुछ समय बाद आप देखोगे कॉपर सल्फेट जो होता है वो एक बड़े ठोस के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में या बड़े कणों के रूप में दिखाई देता है, जो कि क्रिस्टल कहलाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करो। तो भौतिक परिवर्तन क्या है इसमें देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण आपका क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ओके, जल में शक्कर का घोलना ये हमने देखा था, हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक, मैं यहाँ पे केवल भौतिक लिख देता हूँ, परिवर्तन आप यहाँ पे समझ लेना इस कॉमा की सहायता से। कोयले का जलना, आप यहाँ पे देख सकते हो जो कोयला है वो क्या है कि उसे आप जलाओगे तो क्या बनेगा, एक तो राख बनेगा और क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या हुआ कि नए पदार्थ का निर्माण हुआ। इस तरह से आप समझ सकते हो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, जो हमारा मोम का पिघलना होता है उसे आप अगर एक बार मान लो मोम पिघल गया तो आप उसे फिर से पिघला करके उसके रूप में ढाल सकते हो। तो उसमें क्या हुआ, केवल इसका रंग सॉरी जो आकार है वो बदल गया है। तो ये क्या हुआ आपका, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चल देखते हैं, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट करके उसका एक पतला पत्र या फिर हम फाइल बना लेते हैं, तो ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि हमने उसके आकार को केवल परिवर्तित किया, न कि कोई दूसरा पदार्थ बनाया है। क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन। ठीक, भोजन का पाचन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो है वो HCl ये क्या करता है कि इन सारी चीज़ें जो है ये मिल करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन जो है सत्य है अथवा असत्य, यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। ठीक, कहा है कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका गलत है, क्योंकि आपने क्या किया कि लकड़ी को केवल काट करके उसके आकार को कम किया है, आकार में परिवर्तन किया, बड़े से छोटा कर दिया है। तो यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन ना होकर केवल भौतिक परिवर्तन है। ठीक, इसलिए यह क्या है आपका, असत्य है, और उसमें आपको क्या सत्य होगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक, खा देखते हैं कि पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह भी आपका गलत है, क्योंकि भाई यह पत्ती है, पत्ती से खाद का निर्माण, उससे बहुत सारे गैसों का निर्माण हुआ, तो यह क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन, लेकिन भौतिक परिवर्तन होने के कारण ये यहाँ पे गलत होगा। जस्ते जिंक लेपित पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, जो जिंक की लेपित की जाती है या फिर जो हमने देखा जस्ते में जो जिंक लगाया जाता है या फिर उससे जो लोहे की पाइप बनाई जाती है उसमें जंग जो है वो नहीं लगती, ये आपका सही है। ठीक, सत्य वाला सही होगा। ठीक, घ देखते हैं कि लोहे और जंग एक ही पदार्थ, जो आपका लोहा है और जंग, क्या ये एक ही पदार्थ है, ये आपका असत्य है। ठीक, क्योंकि या फिर मैं इसे आपको क्रॉस करके बता देता हूँ, आप समझो कि ये भी सही है, ये आपका गलत है। ठीक, लोहा जो है वो दूसरा पदार्थ, लेकिन लोहे के ऊपर जंग लगता है। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे लोहा है, लोहे पर जंग लग गया। ठीक, अब एक पदार्थ से आप यहाँ पे समझिए कि लोहे पर जंग लगा। ठीक, लोहे पर जब जंग लगा तो एक भूरे पदार्थ का निर्माण हुआ, तो भूरे पदार्थ में जब आप
क्या भूरे पदार्थ से ऑक्सीजन निकाल दो क्या वो फिर से लोहा बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग पदार्थ होते हैं ये। ठीक, चल देखते हैं। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका सही है, क्योंकि भाप का जो परिवर्तन होता है ये एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि जो भाप है उसे आपने देखा था कि ऊपर एक बर्तन रख करके उसे फिर से आपने जल के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो ये एक भौतिक परिवर्तन हुआ है। तीसरा देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान को हमें भरना है। क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो यह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं उसका सूत्र आपको लिख देता हूँ, CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण जो आपका पानी होता है वो दूधिया बन जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया था। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम, जो आपका खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों की बात एक ही है। जब कहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाए तो वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो होगा, जैसे मैं पहले लिख देता हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है आपका, Na, ये आपका NaCO3। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि H जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर आप कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन जुड़ा है तो आप बाइकार्बोनेट कह सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। गा देखते हैं, ऐसी दो विधि जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। ऐसी हमें दो विधि लगानी है, एक तो आप पेंट कर सकते हो और यसद लेपन। यसद लेपन। घ, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल क्या होते हैं, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन है तो कौन से गुण परिवर्तन होंगे, उसके भौतिक गुण। ठीक, चाहे देखते, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं वो कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, आपके रासायनिक परिवर्तन। चौथा देखते हैं, जब नींबू के रस में खाने वाले सोडे में मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, तो इस किस प्रकार का परिवर्तन है इसे हमें समझाना होगा। कि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा खाने का सोडा था, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट था, उसे जब हम नींबू के साथ गर्म किए थे उसे क्या बना था, कि हमारा नमक बना था और कार्बन डाइऑक्साइड बना था और क्या बना था, पानी बना था। ये कौन सा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो आपका जो खाने वाला सोडा है और नींबू का रस जिसे आप सिरका बोलते हो, ठीक, तो ये क्या है, अगर आप इसकी क्रिया कराओगे जिससे आपको बनेगा नमक जो कि होता है लवण, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी, आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हो। ठीक, तो ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन के इससे नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। पांचवा देखते हैं, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इस परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम को एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो जैसे दही का जो जमना है, जो आपका भौतिक परिवर्तन है वो गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम जो है वो पिघल जाता है। ठीक, तो जब ये मोमबत्ती गर्म होगी तो पिघल जाएगी, ये एक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि अगर आप इसे ठंडा कर दोगे तो वो फिर से क्या होगा, मोमबत्ती वाले रूप में आ जाएगी। ठीक, अब अगर रासायनिक परिवर्तन की आप इसमें बात करो तो अगर आप इसे लौह के पास का जो मोम जलता है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन कालिख बनाता है, जलवाष्प बनाता है, गर्मी बनाता है और प्रकाश जैसे नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो ये क्या है, आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि अगर आप इसका दूसरा उदाहरण चाहो तो भोजन पकाना एक दूसरा रासायनिक उदाहरण है जिसमें भौतिक और जो आपका रासायनिक परिवर्तन है दोनों होता है। ठीक,
छठवां देखते हैं क्या, सॉरी, यह आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जो दही का जमना होता है ये रासायनिक, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ जो है वो लैक्टिक अम्ल है बनेगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। क्या बनेगा आपका? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, इसका निर्माण होता है। ठीक, जो कि मूल पदार्थ जिसमें वसा और प्रोटीन यानी जो दूध के स्वाद से भिन्न होता है। इसके अलावा ये जो परिवर्तन होता है ये अपरिवर्तित, तो दूध को, सॉरी, दही को आप दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इतना आसान है। सातवां, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों मानते हैं। तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके जलने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है आपका? कालिख, कालिख। और क्या बन सकता है वो? राख। ठीक, और जल, वाष्प, गर्मी, प्रकाश, ये सब नए पदार्थ का जो है वहाँ पे निर्माण होता है लकड़ी के जलने पर। इसके अलावा ये जो परिवर्तन होता है ये अपरिवर्तनीय होता है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिला दो तो आप फिर से लकड़ी जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हो। अब भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें तो जब हम इसे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन हो, क्योंकि लकड़ी की मूल संरचना जो है वो नहीं बदलती, वो लकड़ी ही है। इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल आपने क्या किया, उसके आकार को परिवर्तित, बड़े लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, अब आठवां देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका हमें वर्णन करना है। ठीक, तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसके जो क्रिस्टल हैं इसे हम इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। पहला जो आपका पहला है वो है कि अगर हम एक बीकर में पानी लें और उसमें क्या करें, सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दें। क्या करें? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी कुछ बूंदें जो है उसमें डाल देते हैं। दूसरा क्या करेंगे हम, पानी को गर्म करेंगे। ठीक, और जब ये उबलने लगे तो उसमें क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट का जो है पाउडर डाल देंगे, CuSO4, इसका क्या करेंगे, चूर्ण डाल देंगे। तीसरा हम क्या कर सकते हैं कि संतृप्त कर, संतृप्त स्तर पर जो कॉपर सल्फेट है उसे पाउडर को डालना हमें जारी रखें, जो जब तक कि ये क्या करे, ये कॉपर सल्फेट या फिर जो आपका पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल था इसके अंदर जब तक, ठीक, कॉपर सल्फेट अच्छे से न मिल जाए तब तक इसकी क्रिया जो है वो आप चालू रख सकते हो। और जो इसके घोल था, जो हमने यहाँ पे देखा इनका घोल जो है जल का साथ, इनको जब हम ठंडा करते हैं, छान करके ठंडा करते हैं, तो कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि जो हम एक क्रिस्टल का निर्माण वहाँ पे, तो क्रिस्टल का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि छोटे छोटे कणों का जो है वो निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, नवा है कि समझाइए कि लोहे के गेट पर पेंट करने से उसके जंग लगने से बचाव जो है किस कारण से हो सकता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी, या वो जल के रूप में या फिर वाष्प के रूप में हो या द्रव के रूप में हो, ठीक, दोनों की स्थिति जो है या उस उपस्थिति आवश्यक होती है। तो पेंट की परत से हवा और ऑक्सीजन के साथ जो है लोहे का संपर्क नहीं होता है। इसे संपर्क किससे होगा? पेंट से। और जो जंग लगेगा वो पेंट पे लगेगा, इससे आपका लोहा जो है वो संरक्षित रहता है इससे और जंग लगने से बचा रहता है। ठीक, दसवां देखते हैं, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है। तो हम जानते हैं जो रेगिस्तान होता है वो वहाँ का जो वातावरण होता है वो किस प्रकार का होता है, गर्म होता है, और जो समुद्री होती है वो कैसी होती है, आर्द्र होती है। तो जो आर्द्र होती है उसमें क्या होता है कि कुछ जल पाए जाते हैं और ऑक्सीजन तो वो ले ही रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि तटीय क्षेत्रों में रेगिस्तान की तुलना में कम जो है आर्द्र की तुलना, वहाँ पे हवा जो है उसकी नमी जो अधिक मात्रा में नहीं होती है, इसलिए तटीय क्षेत्र पे जो जंग होती है ये अधिक लगती है। ठीक, ग्यारहवां देखते हैं कि जब हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, ठीक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक, सिलेंडर में LPG जो है वह द्रव के रूप में होती है, सिलेंडर के बाहर आते ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए यह है, और फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन बी। ठीक, निम्नलिखित कथन में परिवर्तन संबंधित है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका परिवर्तन ए है, ठीक, ये क्या करता है कि इस आले आपके परिवर्तन में
या ये क्यों कहा करता है कि पहले तो वो द्रवित रूप से था, बाहर आएगा, बाहर आने के बाद ये क्या करेगा, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, तो जो यहाँ पे आपका प्रक्रम बी है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका सही होगा। ठीक, ये क्या है, ये एक भौतिक परिवर्तन है, बी क्या है आपका, एक रासायनिक परिवर्तन, इसलिए ये आपका राइट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अवायवीय, जो आपका अवायवीय जीवाणु, जैविक अपशिष्ट, मतलब कि जो जैविक जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से अपघटित कर हम बायोगैस बनाते हैं, यह परिवर्तन ए है। ठीक, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, यह परिवर्तन बी है। तो निम्नलिखित ये जो परिवर्तन है ये किन से संबंधित है। ठीक, तो पहली बात, हमने अपशिष्टों से क्या बनाया, बायोगैस बनाया, बायोगैस से बहुत सारी गैसों का निर्माण हुआ। ठीक, और परिवर्तन बी में हमने क्या देखा कि यह क्या किया कि गैस जो था ये ईंधन के रूप में जला, इससे एक और गैस का निर्माण हुआ, तो ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसका जो घ बी है, घ है वो आपका सही है कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों। इस तरह से ये जो हमारा वीडियो होता है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे मैं इसी तरह जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।